Sagai? Maike? Ye aap kaise? Sagai kaise? Kya hua beta? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम तो ताने को बचपन से जानते हो। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी सगाई करा दें। माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेती, तानी से पूछ लेती। माँ इतने सारे लोगों के बीच में तानी की इंसल्ट करने का क्या मतलब था माँ? हम दोनों दोस्त हैं माँ, हम लोग दोस्त हैं। आप कैसे कर सकती है ऐसा? तानी के बारे में सोचती कम से कम एक बार। इतने सारे लोग तानी, I'm sorry, मैं अनु, एक सेकंड। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और माँ ने ऐसा करके हमें कितनी इज्जत दी है। और फिर मैं तो तुझे ये सब बताने ही वाली थी, और ऊपर से तू भी तो मेरे लिए वही फील करता है ना, तो फिर क्या? धानी तू भी मतलब तूने ऐसा कैसे सोच कैसे लिया? मैंने कैसे सोच लिया मतलब? तूने ही तो कहा था ना कि तू मेरे लिए वापस आया है, मेरे लिए रुक गया, और दुकान वो भी तो तूने मेरे लिए वापस खोली थी ना। मैं तो अब भी कह रहा हूँ यार, मैं तो अब भी कह रहा हूँ मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरी दुकान के लिए यहाँ पर रुका था। मैं अब भी कह रहा हूँ तानी, लेकिन वो सब दोस्त, तू मेरी दोस्त है इसलिए, जिससे प्यार करता हूँ इसलिए नहीं। मैंने तुझसे कब कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? तूने सोच कैसे लिया, मान कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? रो मत यार, I'm sorry, मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन तानी, मैं तेरी आँख में आँसू नहीं देख सकता हूँ। तेरी हर खुशी में मेरी खुशी है, मैं तेरे हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ। I love you, but I'm not in love with you. उसे प्यार करता हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। तू मेरी जगह आके देख तो तेरे को समझ में आएगा। तने हम दोनों यही चाहते थे ना कि हमारे परिवार एक हो जाए। बड़ी मुश्किलों के बाद आज एक हुए। अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा। मैं तो उसे प्यार करता हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। आई लव यू but I'm not in love with you. Tani, look. परिवार का है, फिर इनसे अलग कैसे हो सकता है? मां? नहीं, नहीं, माँ मत बोल मुझे, मत बोल माँ। तूने तानी का दिल दुखाया, साथ साथ मेरा भी दिल तोड़ दिया। तुझे पता, इन 8 सालों मैं इस परिवार से दूर रही, मैं
मुझे कभी कोई याद नहीं आया सिवाय तेरे, क्योंकि हमेशा मैंने तुझे तानी से ज्यादा प्यार किया। तानी से पहले तेरा नाम लिया है मैंने। आज तुम दोनों की वजह से मैं इस घर का चौखट लांग के आई, जिस पर मैंने कसम खाई कि इसे मैं कभी पार नहीं करूं। और तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया ना मुझे। मेरी बात नहीं, कोई बात नहीं सुननी है मुझे, नहीं सुननी है मुझे, सुनना ही नहीं मैं चाहती कुछ, नहीं मैं चाहती कुछ। तुझे पता है, मुझे पता है, तेरे बाबा ने जो मेरे साथ किया, बाबा ने जो मेरे साथ, उसे तो मैं फिर भी भुला सकती हूं, फिर भी भुला सकती हूं, लेकिन तूने जो तारीख के साथ किया, जो तारीख के साथ, उसे मैं कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि मैं तुझसे इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार कि तेरी एक गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकती, माफ नहीं कर सकती, बस बस तेरे साथ मेरा सब रिश्ते खत्म। चिंता होती है ना आपको ताने की। एक बार मुझे बड़ा होने दीजिए, फिर आप देखना, ताने का पूरा ख्याल रखूंगा मैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। I hate you. अनु तू तानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आज से हम लोग की दोस्ती यहीं खत्म होती है अनु। Not in love with you. Not in love with you. Kis khuda mili hai saza. Tani, Tani, darwaza khol do. Tani, mujhe tu bata.
बैच जरूर तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा सिर्फ तेरे लिए। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक तेरा ये मोटा एंजल वापस नहीं आता ना, ये एंजल तेरा ख्याल रखेगा। किया तूने, सब लोगों के बीच में शादी के लिए इनकार कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा तानी पर क्या बीतेगी। अरे अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं बोला? हाँ, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे तानी से शादी करनी है? आपको ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने तुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? इन दिनों जिस तरह तू और तानी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे, मैं वक्त गुजार रहे थे मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा था एक दोस्त की हैसियत से कर रहा था। हम दोनों दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शादी करवा दी जाए। मैं ये सब करने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। हाँ, अब से तेरी माँ को हर चीज तुझसे पूछकर ही करनी पड़ेगी। बड़ा हो गया है तू, अपने फैसले खुद ले सकता है। मैं ही गलत थी जो तेरे बारे में सोचा, और मुझे लगा था चाहे जो हो जाए, देश बदले, माहौल बदले, हालात बदले, मेरा अनु कभी नहीं बदलेगा। अनुराग ठीक बोल रहा है, ये उसकी जिंदगी, उससे बिना पूछे हम उसकी जिंदगी बनाने निकले थे, ये गलत बात है ना? और मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले एक बार अनुराग से पूछ लो, उससे बात कर लो। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज ये हंगामा ही नहीं होता। जमाना बदल गया है नीलू, आज अगर अनुराग तानी से शादी करना नहीं चाहता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अनु ने जो तानी के साथ किया वो गलत नहीं है? शायद आप भूल चुके हैं, 8 साल पहले तानी और अनु की शादी हो चुकी है, तब भी आपने इस रिश्ते को मानने से इनकार किया था। वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। उस शादी का कोई मतलब नहीं है नीलू। माँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8 साल के तराजू में अनु की आज की जिंदगी को तो नहीं तोला जा सकता ना। उसकी पसंद नापसंद, उसका नजरिया सब कुछ बदल चुका है, और उसे पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला अपने हिसाब से ले सके। माँ मुझे भी लगता है कि शादी ब्याह के मामले में अनुराग के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ और आप सब सही, तो यही सही। लेकिन मैं आप सबके साथ नहीं हूं। तानी तानी देख, तेरा तापू ज्यादा। तानी माँ, मना किया था ना आपको मैंने उस घर में जाने से? उस घर में हमें सिर्फ अपमान और बेइज्जती मिल सकती है माँ, अब भूख तो नतीजा। काकी तानी किधर है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। तानी तो अपने आप को अंदर बंद करके बैठी है, सुन ही नहीं रही है। तू अभी जा ना, कल आना। काकी तू जा। तानी जरूरी काम है। तानी तानी मैं सुबोध। तानी प्लीज दरवाजा खोल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तेरी जरूरत है। तानी तानी तू ठीक है ना? ठीक। क्या हुआ सुबोध? तानी मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है, एक इमरजेंसी केस आया और पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। मेरी असिस्टेंट नर्स का फोन लग नहीं रहा है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो लोग मेरे क्लिनिक में आ गए और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूं। I'm sorry, सुबोध, मैं नहीं आ सकती। तानी
लेकिन मैं तेरी हालत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तानी मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। तू ही सिर्फ मेरी मदद कर सकती है। अभी मैं किसी को ट्रीटमेंट समझाऊं, मेडिसिन बताऊं, इतना वक्त नहीं है। पेशेंट की जान भी जा सकती है तानी। तुझे याद है हमने केस हैंडल किया था, ये केस बिल्कुल वैसा ही है। तानी प्लीज मना मत कर, किसी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, चलती हूं। तानी, लेकिन तानी, तू ऐसी हालत में जाएगी। खुद की तो कोई जिंदगी रही नहीं, किसी और की बचा लूं तो अच्छा ही है ना। मैं अनुराग को नहीं छोड़ूंगा मां, कुछ समझता क्या आपने आपको? नहीं था, तू वहां नहीं जाएगा। काम कर, उस लड़की का प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, वो वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर हैं? जी हाँ डॉक्टर सुबोध। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत आप कर कैसे सकते हैं? बाहर आपने इतना बड़ा बोर्ड टांग रखा 24 आवर सर्विस, और आप खुद है कि अपना क्लिनिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि कभी कोई इमरजेंसी केस भी आ सकता है। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बाहर मौसम बहुत खराब है और इसीलिए थोड़ी देर हो गई। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। मुझे इसी वक्त उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, बस। जी, मैं अपना इनिशियल ट्रीटमेंट कर लूँ, उसके बाद आप उन्हें शिफ्ट कर लीजिएगा। किसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं, हमें जल्दी वॉमिट करवानी पड़ेगी। तुमने ऐसा? उसने मुझे धोखा दिया, वादा करके भी मुंह कर गया वो। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं जीना चाहती। ऐसे इंसान के लिए कोई जान देता है क्या? चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चले जाओ अनुराग, चले जाओ अनुराग, चले जाओ अनुराग। तेरे लिए, तेरे लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।